हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि HDFC होम लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप HDFC होम लोन के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये होम लोन लेने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको HDFC होम लोन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको एक लिस्ट देंगे जो होम लोन लेने के लिए आपके पास होना जरूरी है। दोस्तों, HDFC बैंक अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट के साथ कस्टमर्स को होम लोन प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों, अगर आप बैंक के मौजूदा कस्टमर हैं तो आपको कम ब्याज दर पर और कम डॉक्यूमेंट्स के साथ इस लोन का बेनिफिट आपको मिल सकता है। दोस्तों, HDFC होम लोन के लिए अप्लाई करने से पहले आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स एक साथ रख लेने चाहिए। दोस्तों, HDFC होम लोन लेने के लिए आपको आपके ID कार्ड और आपके एड्रेस प्रूफ की जरूरत होगी। इसके अलावा आपके KYC की जरूरत होगी, यानी कि KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। दोस्तों, KYC के तौर पर आपको अपना पैन कार्ड या फिर फॉर्म 16 की कॉपी आप दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म 16 की कॉपी दे सकते हैं। दोस्तों, ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के लिए आप अपने पासपोर्ट की आप कॉपी दे सकते हैं जिसकी वैलिडिटी अगर समाप्त नहीं हुई है तब, या फिर इसके अलावा आप अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी दे सकते हैं जो कि अभी वैलिड होना चाहिए, और या फिर इसके अलावा आप अपने वोटर आईडी कार्ड की कॉपी दे सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगर जारी कोई आपके पास मनरेगा कार्ड है तो आप उसकी कॉपी दे सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपके आधार कार्ड की ज़रूरत होगी, आप आधार कार्ड की कॉपी आप ज़रूर लगाएं। दोस्तों, अगर आपका नाम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में मेंशन है जिसमें आपका नाम एड्रेस इत्यादि मेंशन हो तो आप इसकी कॉपी आप अपने आईडी कार्ड और अपने एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप दे सकते हैं। दोस्तों, ये सभी डॉक्यूमेंट ऑफिशियली वैलिड माने जाएंगे, भले ही इनको जारी करने के बाद अगर आपके नाम में परिवर्तन कर दिया गया है फिर भी ये डॉक्यूमेंट वैलिड माने जाएंगे, बशर्ते कि ये डॉक्यूमेंट राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए हों। दोस्तों, इसके अलावा आपके इनकम प्रूफ की ज़रूरत होगी, आप इनकम प्रूफ के तौर पर आप अपने लास्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप आप दे सकते हैं, अपने बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट की कॉपी आप दे सकते हैं। इसके अलावा आपके लेटेस्ट फॉर्म 16 और ITR रिटर्न की कॉपी आप दे सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। दोस्तों, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट के रिसिप्ट की बात करें तो अगर आप कोई नया घर खरीद रहे हैं तो सेलर से आपने जो एग्रीमेंट किया है उसकी कॉपी आपको बैंक को देनी होगी। दोस्तों, अगर वो जगह आपको अलॉट की गई है तो आपको अलॉटमेंट की आपको कॉपी बैंक को देनी होगी। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपने कोई डेवलपर को कोई पेमेंट किया है तो उसकी रिसिप्ट की कॉपी आपको बैंक को देनी होगी। दोस्तों, अगर आप कोई पुराना घर खरीद रहे हैं तो इसमें प्रॉपर्टी की टाइटल डीड की कॉपी आपको बैंक को देनी होगी। दोस्तों, अगर आपने पहले सेलर को कोई पेमेंट किया है तो उसकी कॉपी आपको बैंक को देनी होगी। दोस्तों, आपने सेलर के साथ जो पहले कोई एग्रीमेंट किया है तो उसकी कॉपी भी आपको बैंक को देनी होगी। दोस्तों, अगर आप एक प्लॉट पर अगर आप कोई निर्माण कराना चाहते हैं उसके लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्लॉट की टाइटल डीड की कॉपी आपको बैंक को देनी होगी। दोस्तों, इसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी पर कोई टैक्स बकाया नहीं है इसकी कॉपी भी आपको प्रूफ की कॉपी आपको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से लेकर आपको बैंक को देनी होगी। दोस्तों, इसके अलावा आपको लोकल ऑफिशियल्स के द्वारा रिकमेंडेड प्लान्स की कॉपी आपको बैंक को देनी होगी। दोस्तों, एक वास्तुकार या सिविल इंजीनियर के द्वारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की इस्टीमेट को आपको बैंक को देना होगा। दोस्तों, बात करें होम लोन के लिए अन्य डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं, उसमें आप अपने प्लान में कितना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि आप बिना लोन लिए आप अपने खुद से आप अपने प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं इसकी आपको डिटेल बैंक को देनी होगी। दोस्तों, इसके अलावा आपको अपने एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आपको देनी होगी, या फिर अगर आप 1 साल से कम समय से आप काम कर रहे हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर की कॉपी आपको बैंक को देनी होगी।
दोस्तों, अगर आपके ऊपर कोई पुराना लोन है जिसकी इंस्टॉलमेंट आप अभी भी चुका रहे हैं, तो आपको लास्ट 6 महीने की इंस्टॉलमेंट पेमेंट की डिटेल आपको बैंक को देनी होगी। दोस्तों, सभी एप्लीकेंट को एप्लीकेंट के पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की कॉपी आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर चिपकानी होगी और उस पर रनिंग लेटर में साइन करना होगा। दोस्तों, आप HDFC बैंक के द्वारा प्रोसेसिंग फी जो चार्ज की जाती है होम लोन के डिसबर्समेंट में, उसे आप जरूर बैंक से आप एक बार कन्फर्म कर लें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को HDFC होम लोन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है इसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया है। अगर भी ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।